निवासियों के और सीमांत निवासियों के लिए एक प्रमुख व्यापार केंद्र हुआ करता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह मेला और तेज गति से आगे बढ़ा और इसका नाम औद्योगिक एवं सांस्कृतिक मेले के रूप में इसको आयोजित करना शुरू हुआ। 60 वर्षों से भी अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य के लिए, हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा ये बन चुकी है। आज मेला हमारे राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक मेलों में से एक है, जिसमें सरकार के विभिन्न विभाग सक्रिय होकर इसमें प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, ये मेले हमारे जीवन में इनका बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको संजोने का काम करते हैं, उनको भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत अद्भुत योगदान देते हैं। साथ ही ये जहां मनोरंजन और सामाजिक मेल मिलाप का हम सबको मिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज के समय में जब बहुत सारे हमारे पास संचार के साधन हो गए, आज हर प्रकार की क्रांति हो गई है, डिजिटल क्रांति हो गई है, आईटी के क्षेत्र में क्रांति हो गई है, उसके बावजूद भी हम सबको मेल जोल का, हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने का, एक दूसरे से आत्मीयता का भाव बनाने के लिए मेलों का अपना बहुत बड़ा स्थान होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं जब भी इस मेले में आता हूं और जब से मुझे 4 मई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, तब से मेरा प्रयास रहा है कि हर बार मेले में आप सबके बीच में आकर प्रतिभाग करूं। और ये मेला और जलजीवी का मेला दोनों मेले एक जैसे हैं, वह भी भारत तिब्बत नेपाल को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र का मेला है। और यह मेला भी भारत तिब्बत के व्यापार को प्रमुख रूप से जो केंद्र हुआ करता था उसको बढ़ाने वाला, व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने वाला मेला है। और मैं सच बताऊं तो बचपन से मैं ज्योतिर्लिंग मेले के बारे में सुनता था और मेलों में जाता था, हमेशा बहुत आतुर रहता था कि मेला आएगा और मेले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। और उस समय की जो बहुत महंगी थी जिसको समझते थे हम लोग, कहते थे कि जलेबी जाकर मेले में खाएंगे। भाई बहनों, आज मैं सब में अपने बच्चों बचपन को आत्मसात कर रहा हूँ। मैं आप तीनों प्रमुख मेलों में आज मैं तीन प्रमुख मेलों में आज मैं प्रतिभाग कर रहा हूं। यहां आने से पहले मैं जलजीवी के मेले में होकर आया हूं और गौतम मेले के बाद अभी वैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला हमारा श्रीनगर में आयोजित होता है उस मेले में भी मुझे प्रतिभाग करना है। श्री धन सिंह जी और मैं वहां भी अभी प्रतिभाग करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश और विशेषकर हमारे राज्य में मेलों ने हमेशा ही सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाने में, हमारी जो समृद्ध विरासत है उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये जो गौचर का मेला है, ये मेला अन्य मेलों से विशेष है, क्योंकि न केवल ये हमारा मेला सांस्कृतिक जो धरोहर है उस धरोहर को सजोने का कार्य करता है, बल्कि यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ स्थानीय व्यापारियों, आसपास के लोग हों, उनको भी एक व्यापार का बड़ा मंच यहाँ पर प्रदान करता है। भाई बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक और को भारत सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं
लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे जो स्थानीय उद्योग है, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है ताकि स्थानीय उत्पादों को राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाया जा सके। हमारी सरकार द्वारा एक जनपद दो उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है, लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही राज्य के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की भी शुरुआत की गई है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य के मिलेट को अब पूरे देश में श्री अन्न को सुपर फूड के रूप में विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में आज हमारे होम स्टे जहाँ एक और देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहीं स्थानीय हमारे नौजवान युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए भी एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। आज 250 से भी ज्यादा फिल्मों का निर्माण पिछले सालों में हमारे राज्य के अंदर हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 9 दिसंबर को मेड इन डेस्टिनेशन मेड इन उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में मेड इन डेस्टिनेशन के रूप में भी एक बड़ी पहचान स्थापित हुई है। आज पूरे देश भर के लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए, उनके मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अगर सबसे पसंदीदा स्थान किसी को मान रहे हैं तो पूरे देश के अंदर हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को मान रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आयुष, वेलनेस, आईटी और सूट फॉर उनके जैसे विशेष सेक्टर सर्विसों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में आप सबको पता है, हाल ही में हमने गौचर के लिए नियमित हेली सेवा की शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। आने वाले लोग जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, आसानी से अब इन क्षेत्रों में आ सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोग हैं आपदा के समय में, इमरजेंसी के समय में उनको इस सेवा का लाभ मिल पाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसके मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे स्थानीय निवासियों को, कलाकारों को, व्यापारियों को, मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा और सफलता से आगे बढ़े। आने वाले तीर्थयात्री, आने वाले श्रद्धालु, हमारे पर्यटक जो भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आते हैं वो सभी हमारे राज्य का एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में ये यात्रा लगातार आगे बढ़ी है भाइयों बहनों, और इस वर्ष बड़े आपदा के बाद भी इस यात्रा ने 46 लाख का आंकड़ा छुआ है, जबकि 56 दिन की यात्रा कम हुई है, उसके बावजूद भी एक बड़ा आंकड़ा हुआ है। अगर हम इनको देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, हम इसको और सुगम बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमारे चार धाम मार्ग पर जिनके व्यापार चलते हैं, जिनकी आजीविका चलती है, ये लाइफ लाइन होती है, हम जानते हैं, हमने इसके लिए भविष्य में
यात्रा प्राधिकरण बनाकर एक यात्रा को सुरक्षित बनाने का काम, सुव्यवस्थित बनाने का काम, सुगम बनाने का काम हम इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ शुरुआत के दिनों में अत्यधिक यात्रा आ जाने के कारण से कहीं पर कुछ ठीक प्रकार से कुछ व्यवस्था में कमियां रहने के कारण से कुछ दिनों की परेशानियां हुई, लेकिन दूसरे चरण में मैं कल ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने गया था। वहां मुझे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग मिले थे, अनेक धार्मिक संगठनों के लोग मिले थे। सारे लोगों ने कहा कि हमारी चूंकि 17 तारीख को कपाट बंद होने हैं, लेकिन अभी तक भी वहां पूरा भगवान बद्री विशाल का प्रांगण तीर्थयात्रियों से श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। अभी भी अच्छी यात्रा चल रही है। इस प्रकार से यात्रा